पाचोरा येथील गुरुकुल इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये विज्ञान दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. विज्ञान दिनानिमित्त प्रदर्शन भरवण्यात आले होते. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन दीप प्रज्वलन करून रिबिन कापून करण्यात आले. यावेळी कार्यक्रमाला डॉक्टर भूषणदादा मगर, हरिभाऊ पाटील, मनीषदादा चंदनानी, माजी नगरसेवक बापू हटकर, राम केसवानी, सतीश शामनानी सर, सुनील शामनानी सर, वरंदलाल कृष्णानी आदी मान्यवर उपस्थित होते. राष्ट्रीय विज्ञान दिनाचे औचित्य साधून गुरुकुल इंटरनॅशनल स्कूल पाचोरा येथे डॉक्टर भूषणदादा मगर यांच्या हस्ते रोबोटिक लॅबचे देखील उद्घाटन करण्यात आले. विज्ञान प्रदर्शनात इयत्ता 7वी ते 9वीच्या विद्यार्थ्यांनी विज्ञानावर आधारित अनेक प्रकल्प बनवले व सादर केले. तसेच आजच्या कार्यक्रमातील प्रमुख आकर्षण राहिले ते म्हणजे शालेय स्तरावर जळगाव जिल्ह्यातील पहिली रोबोटिक लॅब. इयत्ता 6वीच्या विद्यार्थ्यांनी पहिल्याच दिवशी विविध प्रकारचे रोबोट बनवून भेट देणाऱ्यांना आश्चर्यचकित केले. या रोबोटिक लॅबला लिटिल सायंटिस्ट असे नाव देण्यात आले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सौ कल्पना वाणी मॅडम, सौ अमिना बोहरा मॅडम यांनी केले. रोबोटिकचे विशेषज्ञ श्री चेतन सोनोने सर व अंकुश शामनानी सर यांनी परिश्रम घेतले. बघूया सविस्तर वृत्तांत. हॅलो, माय नेम इज नंदन गोपाल यादव. आय एम फ्रॉम 6th क्लास. दिस इज द पार्ट ऑफ रोबोट. चेसी द बॉडी ऑफ रोबोट. मोटर ड्रायव्हर. आय आर मायक्रो कंट्रोलर. आय आर सेन्सर टू सेन्स द लाईन. कास्टर व्हील. मोटर. PVC. अल्ट्रासॉनिक. आदिती संतोष लाईत. माय नेम इज दीक्षा माळी. वी आर फ्रॉम स्टँडर्ड 6. दिस इज अवर प्रोजेक्ट अँड द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज लाईन फॉलोअर रोबोट. देअर आर मेनी टाईप्स ऑफ रोबोट सच हॅज ॲग्रिकल्चरल रोबोट, इंडस्ट्रियल रोबोट. देअर आर ऑल्सो ॲनिमल्स रोबोट लाईक स्नेक रोबोट, वार रोबोट, कांगार रोबोट एटसेट्रा. ॲग्रिकल्चरल रोबोट. ॲग्रिकल्चर रोबोट मीन्स काय? ॲग्रिकल्चर मीन्स खेत. जो खेत में यूज होने वाला रोबोट हम उसे ॲग्रिकल्चरल रोबोट कहते हैं. जैसे कि अगर एक ट्री है, बनाना ट्री, उसकी हाइट 11 से 12 फीट है, और एक सिटीजन या लेबर है, उसकी हाइट 5 या 6 फीट है. तो फिर जो सिटीजन है वो बनाना ट्री को फर्टिलाइज नहीं कर सकता, इसलिए हम रोबोट्स का यूज़ करते हैं. इसे हम लाइन फॉलोअर रोबोट कहते हैं. बेसिकली वी यूज दिस रोबोट इन इंडस्ट्री एंड मेनी मोर एप्लीकेशंस. हेलो सर, गुड मॉर्निंग. माय नेम इज योगिनी. माय नेम इज साक्षी. माय नेम इज साक्षी. वी आर फ्रॉम स्टैंडर्ड 6. दिस इज अवर प्रोजेक्ट एंड द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज ऑब्स्टेकल फॉर अ रोबोट. दिस रोबोट इज यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक various industrial application, hotels and many more. This robot detects the obstacles by using obstacle sensor for performing the task. JC wheel connecting cables to build this robot. Cultural Day News for the coverage. As you know that we have started the first robotic lab in Jalgaon district. Actually, the students of today are living in the electronic era and the digital era. By knowing this, we have given the basic information about the basic parts of the different robots. As we given the information regarding the basic parts and the functions of the robots, so they have prepared the different types of projects. So, robotics lab, you have seen it. Robotics lab, ye aaj tak jo hain college ke bachche, engineering level ke bachche jo hain वहाँ पर रोबोट्स के प्रोजेक्ट करते रहते हैं. लेकिन दिमाग में ये बात है कि आजकल के जो बच्चे हैं बिल्कुल बचपन में ही इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल माइंड बन चुके हैं. तो अगर हम लोगों ने अभी से उनको एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करके दिया तो ये बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं, उनका भविष्य उज्ज्वल हो सकता है. इसलिए इसकी मैंने सिर्फ इस महीने में शुरुआत की और बच्चों ने एक ही दिन में 4 या 5 प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं इस बेसिक पार्ट्स का यूज़ करके. पहला मैंने जो लैब देखा था वो था नगर में, उसके बाद में मैंने लैब देखा पूना में, उसके बाद में मुझे लगता है कि जलगांव जिले में यह पहला ही लैब है. डॉक्टर आमेना ताहिर बोहरा. टुडे गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल सेलिब्रेटेड द नेशनल साइंस डे इन द मेमोरी ऑफ CV रमन, हु रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर द रमन इफेक्ट. ऑल्सो इट वॉज एन ऑनर फॉर आर स्कूल टू इनॉग्रेट द फर्स्ट रोबोटिक लैब. आज हमारे नन्हे नन्हे बच्चों ने अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए, जिसमें सबसे स्टार्टिंग देने वाला प्रोजेक्ट था चंद्रयान 2. जिस तरह चंद्रयान 1 की कामयाबी के बाद हमारे साइंटिस्ट ने चंद्रयान 2 बनाने की कोशिश जारी रखी, उसी तरह हमारे एक नन्हे से बच्चे ने, 9th स्टैंडर्ड के बच्चे ने चंद्रयान 2 बनाया और उसी को उड़ा के हमारे इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई. और दूसरे अलग अलग बच्चों ने अलग अलग प्रोजेक्ट्स जैसे कि ब्रेन, हार्ट का मॉडल, बहुत सारे वर्किंग मॉडल्स जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम,
ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए। मैंने सिर्फ बच्चों को बोला कि हमको ये मॉडल स्टार्टिंग में रखना है, तो हमारे 9वीं क्लास के बच्चे ने यह एक दिन में तैयार कर दिया और उसे मैंने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए बनाया बोला था, लेकिन उसने वर्किंग मॉडल बनाया ताकि वो हम बता सके कि वो कैसे उड़ता है और कैसे वापस आता है। ये दोनों उसने इस प्रोजेक्ट के द्वारा हमको बताया है। एक ही दिन में वो बच्चे ने बना लिया है। प्रथम अपना सर्वांना राष्ट्रीय विज्ञान दिनाचा हार्दिक शुभेच्छा। आज मुलांनी वेगवेगळ्या शास्त्रज्ञांची आठवण, त्यांचे कार्य, त्यांचे संशोधन आपल्या भाषणातनं मुलांपुढे व्यक्त केले। मुलांमधील सुप्तगुण, त्यांच्यातील सुप्तगुणांना वाव मिळावा, त्यांची बौद्धिक क्षमता वाढावी यासाठी या ठिकाणी आपण रोबोटिक स्लॅब ही संकल्पना साकारलेली आहे। यातूनच पुढे प्रत्येक मुलामध्ये जो काही शास्त्रज्ञ अभियंता दडलेला आहे तो बाहेर येईल आणि पुढे जाऊन हे मुलं शास्त्रज्ञ अभियंता बनतील। धन्यवाद। पाचोरा शहरात प्रथमच फक्त 5,51,000 रुपयात स्वतःच्या मालकीचे हक्काचे घर घेऊन आलो आहोत। मंगलम पार्क आणि स्वामी नारायण पार्क मध्ये श्री स्वामी लँड डेव्हलपर्स आणि मंगलम इन्फ्राचे संचालक नगरसेवक मनीष भाऊ भोसले व रितेश भाऊ ललवाणी। मग येत आहे ना आपले घर बुक करण्यासाठी मंगलम पार्क व स्वामी नारायण पार्क मध्ये 5,51,000 रुपयात ते सुद्धा 1 BHK म्हणजे 3 रूमचे। आमच्या कार्यालयाचा पत्ता गणेश प्लाझा कॉम्प्लेक्स गाळा नंबर 1 व 10 बस स्टँड रोड मानसिंगा फॅक्टरी गेट समोर गंगा सुपर शॉपच्या बाजूला पाचोरा।